दिवाली के लिए हम अपील करना चाहेंगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई डायरेक्शंस दिए हैं कि हम दिवाली कैसे मनाएं, ताकि दिल्ली में जो प्रदूषण का जो समस्या है उसको हम एड्रेस करें। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के हिसाब से हमको दिवाली के दिन जो टाइमिंग्स फिक्स किया गया है उसके बारे में हम एडवर्टाइजमेंट्स भी दे रहे हैं, तो उसको स्टिक करें। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन क्रैकर्स के बारे में भी कहा है, ज़्यादातर कोशिश रहे कि अगर क्रैकर बस करे तो ग्रीन क्रैकर्स ही चलाए। नमस्कार, यूनिवर्सल न्यूज़ में आपका स्वागत है। दिल्ली के चांदनी चौक के कूचा महाजनी, जो कि सोने चांदी की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है, उसमें इन दिनों महिला चोर गैंग काफ़ी सक्रिय है, जो लगातार बड़े ही शातिराना तरीके से चोरी को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन कूचा महाजनी में लगे तीसरी आग की वजह से उनका सामान चोरी होने से बच गया। पहली घटना 24 तारीख की है, जिसमें एक महिला ने ज्वेलरी खरीदने के बहाने हाथ में सोने के कंगन पहन लिए और फिर दुकानदार के व्यस्त होते ही वो बगैर पैसे दिए निकल गई। जैसे ही दुकानदार को आभास हुआ, उसने तुरंत इसकी सूचना गार्ड को दी और गार्ड ने बाहर जाकर उस महिला को पकड़ लिया और उससे ज्वेलरी बरामद कर ली। CCTV में इस घटना के बाद दुकानदार ने उसकी पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। यहाँ के एसोसिएशन के अध्यक्ष के मुताबिक ये महिला पिछले कई दिनों से इस इलाके में सक्रिय है और कई वारदातों को अंजाम दे चुकी है। क्या है, एक लेडीज और एक जेंट्स हमारे कूचा महाजनी के दुकानदार के यहाँ पे कुछ ज्वेलरी खरीदने आए, तो गलती से या जानबूझ के उन्होंने एक ज्वेलरी पहन करके वो कूचा महाजनी के गेट तक पहुंच गए। जैसे ही दुकानदार को पता लगा, वो कूचा महाजनी की तरफ भागा गेट की तरफ, और हमारे सिक्योरिटी गार्ड जो थे और पुलिस वाले जो थे बीट के, उन्होंने उस महिला को उनके कहने पे रोक लिया। तो उस महिला को फिर उसकी दुकान पे ले जाया गया, वहां उसने बताया कि भाई मेरे को ध्यान नहीं रहा और मैं गलती से इस चीज को पहन के आ गई, और उसने वो ज्वेलरी उनको लौटा दी। हम जो मेन गेट पे ड्यूटी पे थे सर, उसी टाइम एक लजी का लड़का आया, उसने बताया हमारा ऐसे ब्रेसलेट पहन के निकल गया। तो उसी टाइम उसको हमने पीछे से देखा कि ये तो नहीं थी, उन्होंने बोला कि हाँ यही है, उसको हमने पकड़ा, वापसी दुकान पे लेके चले गए, उनको उठा के वापसी दिला दिया गया, उनका आपस में समझौता कराकर पुलिस के हवाले कर दिया। जबकि दूसरी घटना 25 तारीख की है, जिसमें एक दो महिला ज्वेलरी शॉप में अंदर गई और बड़े ही शातिराना अंदाज में बैग में पैसे निकाल कर जाने लगी। तभी वहां लोगों ने शोर मचाया तो उन दोनों महिलाओं को गेट के पास गार्ड ने पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। CCTV में आप देख सकते हैं कि गार्ड और पुलिस ने दोनों महिलाओं को रोक लिया, लेकिन दुकानदारों का आरोप है कि पुलिस ने बगैर कोई पिछली जांच करे बगैर महिलाओं को जाने दिया। यूनिवर्सल न्यूज के लिए दिल्ली से राजीव तिवारी की रिपोर्ट।